सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो पर फैंस। दोस्तों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा 18 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, दूसरा ओडीआई मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला है। ऐसे में काफी टक्कर और काफी रोमांचक का मुकाबला होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरे ओडीआई मैच के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं दूसरे ओडीआई मैच में, क्या क्या होंगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चेंजेस पहले ओडीआई मैच में हार मिलने के बाद, और आपको बताने वाले हैं कि दूसरा ओडीआई मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, और आपको बताने वाले हैं इस मैच की मैच प्रीव्यू के बारे में। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टाइम पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही है 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, जिसके पहले ओडीआई मैच में वेस्टइंडीज की जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी की दम पर वेस्टइंडीज की टीम ने 8 विकेट से पहला ओडीआई मैच जीतकर सीरीज में 1 की बराबरी कर ली है, जो कि भारतीय टीम इस टाइम पर 1-0 से पीछे हुई है। और वेस्टइंडीज टीम को यह सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 ओडीआई मैचों में से 1 ओडीआई मैच और जीतना होगा, तो ही अब भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला रह गया है। यानी कि बाकी बचे दोनों ही ओडीआई मैच में से अगर एक भी मैच हारती है टीम इंडिया तो सीरीज हार जाएगी भारतीय टीम और जीत जाएगी वेस्टइंडीज की टीम ओडीआई सीरीज। ऐसे में अब यहां पर काफी टक्कर और काफी रोमांचक का मुकाबला होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच दूसरा ओडीआई मैच 18 दिसंबर 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, और यह मैच दोपहर 1:30 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 1:30 PM से। दोस्तों, दूसरा ओडीआई मैच में तो हमें कई सारी चेंजेस देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन अगर हम बात करें पहले ओडीआई मैच के लिए तो पहले ओडीआई मैच में भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहले तो भारतीय टीम के टॉप 3 बल्लेबाज फ्लॉप हुए थे, जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो कि ऋषभ पंत और अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी थी और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, जहां पर केदार जाधव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था, जहां पर उम्मीद थी कि स्पिनर्स अच्छे विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, जो कि सिर्फ 1 विकेट निकाला था मोहम्मद शमी ने और 1 विकेट जो कि दीपक चहर ने निकाला था। ऐसे में दूसरे ओडीआई मैच में बड़ी चेंजेस होने वाली हैं। तो गाइस, जब बिना देरी के चलिए बात करते हैं दूसरे ओडीआई मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर क्या है, फैन फाइट फैंटेसी क्रिकेट ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है। आप लोग बहुत सारे पैसे बड़े ही आसानी से जीत सकते हैं। इस ऐप में आपके जीतने के चांसेस 20 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी और ऐप के मुकाबले में। इस ऐप में आपको मिलेगा पहले डिपॉजिट में 100 रुपया एक्स्ट्रा कैश। इस ऐप की खास बात यह है कि मैच स्टार्ट होने से पहले आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी टीम चेंज या फिर एडिट कर सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको यहां पर भी अलग से 30 रुपये का बोनस मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे ओडीआई मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो एज ए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे लोकेश राहुल, नंबर 2 पर होंगे रोहित शर्मा, जो कि एक बार फिर से केएल राहुल और रोहित शर्मा करने वाले हैं ओपनिंग की बल्लेबाजी। ये दोनों ही बल्लेबाज पहले ओडीआई मैच में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे, ऐसे में इस मैच में इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि एक अच्छी शुरुआत दिलाए भारतीय टीम को। नंबर 3 पर होंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली, वहीं इसके बाद नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पहले ओडीआई मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। नंबर 5 पर होंगे ऋषभ पंत, जो कि इन्होंने भी काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर होंगे केदार जाधव, वहीं अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर शिवम दुबे या फिर रविंद्र जडेजा, जो कि इन दोनों में से किसी एक को ही खिलाया जाएगा इस मैच में। अगर हम बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पर होंगे युजवेंद्र चहल, टीम इंडिया के बेहतरीन लेग स्पिनर। नंबर 9 पर होंगे कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर, जबकि नंबर 10 पर होंगे दीपक चहर, टीम इंडिया के बेहतरीन यंग फास्ट बॉलर। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे भारतीय टीम के एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। तो गाइस, यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मैच के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जो कि इस मैच में सबसे बड़ी चेंजेस जो होने वाली है वो ये है कि युजवेंद्र चहल को इस मैच में खिलाया जाएगा, जो कि शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा या फिर केदार जाधव, जो कि इन तीनों में से किसी एक को बैठाया जाएगा और उनकी जगह पर मौका मिलेगा युजवेंद्र चहल को। तो ये बड़े चेंजेस होने वाली है दूसरे ओडीआई मैच में। तो गाइस, आपके क्या प्लेइंग 11 है, कमेंट करके अपने राय अपने विचार जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने राय अपने विचार जरूर दें कि कौन सी टीम जीतेगी दूसरा ओडीआई मैच, क्या टीम इंडिया कर पाएगी वापसी या फिर जीतेगी वेस्टइंडीज की टीम या सीरीज दूसरा ओडीआई मैच जीत के साथ ही।